ਮੈਨੂੰ बहुत सारे फोन बहुत सारे मैसेज आ रहे ने WhatsApp ਤੇ भी ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ फोन भी आ रहे ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਮ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 20-30 ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। उसी तरह ही मैं कल भी कीर्तन करके आया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी आप जी को दस ने बेनती करनी है, मैनू बहुत सारे फोन बहुत सारे मैसेज आ रहे ने WhatsApp ते भी मैनू अते जिहड़े फोन भी आ रहे ने। संगतां दे मन विच इक ठेस पहुंची है कि भाई जसकरण सिंह तुसीं कल कीर्तन करके आए दिल्ली ते उत्थे बैठक सी, बैठक बारे तुसीं बोलिया कि उह नहीं जोड़ी नूं जोड़ी बैठक ते बैठी हुई सी। ते मैं आप जी नूं बेनती करनी चाहुंदा आम कीर्तन जोड़े रोज़ असी करते हैं बहुत सारे घरों के कीर्तन इदा ही होंगे, कई बार प्रकाश नहीं भी होंगे, असी कीर्तन करके परिवार के मैंबर 20-30 बैठ के असी कीर्तन करके आने हैं। उसी तरह ही मैं कल भी कीर्तन करके आया तो मैंने जो मैसेज आए तो मैं हूँ लाए अपनी जी वीडियो के दौरान आप जी को बेनती ये करनी चाहता जिन्हों के मन में ठेस पहुँची है। मैं इस करके आप जी को बेनती करनी चाहता साध संगत आम जिवें घरां दे विच प्रकाश नहीं हुंदा उत्थे भी प्रकाश नहीं सी। सब तो पहला बेनती है प्रकाश नहीं सी गुरु साहिब जी दा ते ना कोई चंदोआ साहिब सी। मैनूं फोन आ रहे कि उत्थे चंदोआ नहीं, कोई चंदोआ साहिब नहीं सी। साडी कीर्तनीआं दी स्टेज बहुत उपर सी ते जिहड़ी संगत बैठी सी ओह नीचे बैठी सी, सामने साडे जोड़ी बैठी सी ते उस उहनां दी सारिआं दी बैठक सी, कल्ली जोड़ी दी बैठक नहीं सी। जोड़ी साडे सामने बैठी सी पर सारिआं दी बैठक सेम सी। ओह जिहड़ी फोटो तुहाडे लोकां कोल वायरल होके पहुंची है कि ओह जोड़ी बैठक ते बैठी हुई है, उन्होंने स्पैशल गद्दी लगी हुई है, उन्होंने कलियां दी स्पैशल गद्दी नहीं सी। बहुत सारे हुण जथेदार साहब भी मेरे नाल सी, सत्कारयोग सिख सिरमौर श्रोमणी कमेटी साडी सिख पंथ दी अकाल तख्त साहिब दे जथेदार अपने ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वो नाल बैठे हुए सी। मैं इस करके मुनासिब नहीं समझिया कीर्तन करदे क्योंकि मेरा ध्यान कीर्तन विच सी। कीर्तन करदे मैं मुनासिब तां नहीं समझिया क्योंकि बहुत वड्डे महान वो साडे जथेदार साहब ने भी अगर वो भी आते जाते रहते हैं कीर्तना से, इस करके मैं मुनासिब नहीं समझिया। जिहड़ी संगत नूं मन में ठेस पहुँची है मैं खिमा मंगदा उस दे लई। हाँ अगे तो जरूर ध्यान विच रखांगे जे सानू अगे तो कोई साडे लग्या सामने कोई गल तो कोई भी वड्डी शख्सियत। मैं हुण जथेदार साहब जी दी सत्कार वजों मैं नहीं सी बोलिया बट मैं अगे तो बेनती करदा हाँ कोई जथेदार साहब की कोई भी बैठा होवे मैं जरूर बोलांगा। मैं सारी भावें कोई दमदमी टकसाल है कोई अपने जथेबंदियां ने सिख कौम दियां जिन्नी भी जथेबंदियां ने मैनूं फोन आ रहे हैं। मैं तुहानूं वादा दिवाना अगे तो जदों भी कोई इदां दी मैनूं लगेगा उत्थे मैं जरूर अपना बोलना आपां सही समझांगा भी बोलांगा। ते भावें तुसीं मेरा फतेह सिंह मेरे असीं तकरीबन सानूं दोनों भरावां नूं 20 साल हो गए कीर्तन करदिआं नूं, साडे पिता जी 40 साल हो गए कीर्तन करदिआं, साडे 50-60 साल साडे घर विच कीर्तन करदिआं हो गए बट इदां दी गल नहीं हुई। मैनूं अज तक टकसाल वालों इन्ना प्यार मिलिया, कलगीधर महाराज जी दी इन्नी बख्शिश है। महाराज जी बाणी दा फरमान है कलगीधर जी पातशाह जी दी काहू को ध्यान ता को देश को मानत है अर को महेश को एस बता है को कहे विष्णु विष्णायक जाए पजे आगो कटा है हैं जी 12,000 विचार अरे जड़ अंत समेत अभी ताजा है ताही को ध्यान परमा ही जो थे अब है और आगे हुआ है। बहुत सारी बाणी कलगीधर पातशाह जी दी जिवें आपां चौपाई साहिब पढ़दे हां असी जो बाणी पढ़ते सी ना सुंदर गुटका तो बाणी पढ़ते सी गुटका साहिब तो वह महाराज दुष्ट दुख के लिए बचाई तो लैके कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता बहुत सारी बाणी पढ़ते सी। तो मैं सब समझदा सत्कार सानू पता है मेरे वीर कई कहंदे तुसीं इन्नी बाणी पढ़दे हो तुसीं सत्कार नहीं कीता। सत्कार एक मैं सिर्फ वड्डियां दा आदर मान रखदे होया मैं नहीं सी बोलिया। मैं फिर बेनती कर देवां मैं वड्डियां दा सिर्फ एमपीस बैठे सी ते उन्हां दे परिवार दे मैंबर बैठे सी MP दो सी ते नाल परिवार दे मैंबर सी ते इस करके गुरु के प्यारिओ कीर्तनियां दी स्टेज उपर सी बाकी सब थल्ले बैठे हुए सी। मैं फिर भी मैं इस गल नूं मंनदा वां कि मैं नहीं बोलिया पर अगे तो यकीन दिवाना आपां जरूर इस गल दा ध्यान रखांगे जिन्हां दे मन विच ठेस पहुंची है उन्हां नूं बेनती है फेसबुक ते बहुत सारे विद्वानां नूं मेरी बेनती है जिहड़े फेसबुक ते बोलदे हो उन्हां नूं बेनती है ना वीरो अपने बहुत सारे कीर्तनियां बारे मंदा बोलदे हो मैं उन्हां नूं बेनती करां ना कीर्तनियां नूं कदे गलत ना बोलिया करो क्योंकि आपां गुरु की कीर्तनी आपां बाणी पढ़दे हां सारे तो कई कीर्तनियां ने भी इस पोस्ट नूं शेयर कीता मैं बेनती करा तुसी आप ही कीर्तनी हो, आप प्रचारक हो, सारी संगत। हुण मैं एक गल होर ध्यान विच तुहाडे लैके आना चाहुंदा, हाँ इह वाली गल। दिल्ली तो तकरीबन महीने विच 4 ट्रेनां आउंदियां ने, उहदे विच 3 बोगियां दे विच कीर्तन हुंदा है। संगत जोड़े पा के कीर्तन सुनदी है। जिहड़े फेसबुक ते तुसी सुन रहे हो, मेरी उहनां नूं बेनती है तुसी कदे उहनां बारे क्यों नहीं बोले। रोज मड़ियां दे विच कीर्तन हुंदा है, शमशान घाट कीर्तन हुंदा, उत्थे सामने मृतक देह दे सामने बैठ के कीर्तन हुंदा, उत्थे सामने खड़े भी हुंदे जोड़े पा के, उदों क्यों नहीं तुसीं कोई बोले। बाकी मैं अपनी गलती जिहड़ी मैं अगे तो तुहानूं दस्सिया ना कि मैं जरूर ध्यान रखांगा, पर तुसीं सब कुछ ध्यान विच लै के आओ। कदे सोफियां ते बैठ के किन्ने कीर्तनियां दीयां वीडियो तुहाडे सामने YouTube ते पईयां, भरिया पिया YouTube, भरिया पिया Facebook आ। मैं पिछले दिल्ली विखे एडा वड्डा समागम होया, सामने सामने वो जथेबंदियां सारियां बैठियां, मोरा वाली साहब ने ढाडी जथे ने मुड मोरा वाली साहब ने ऊपर बैठ के ढाडी वारां गाइयां, सामने कुर्सियां ते बैठ के चावा पी रही है संगत, जोड़े पा के ढाडी वारां सुन। ढाडी वारां तुसीं सुन सकदे हो, कीर्तनियां नूं बोलना तुसीं सारे फेसबुक ते चढ़ के आ जांदे हो। मेरी तुहानूं सारी संगत नूं बेनती है, जिन्हां दे मन विच ठेस पहुंची है, कल्ले इक कीर्तनी नूं ना पिया करो, प्यार नाल मेरी बेनती है। बाकी सारियां दा ध्यान रखिया करो, कल्ले एक कीर्तनी नूं ना सारे इकजुट बना के बैठ जा करो। सिख नहीं सी तुसीं उहदे घर कीर्तन करन क्यों गए? मैं बेनती करा, सिख तो कोई भी नहीं सी पहला, गुरु नानक साहब दी सिक्ख्या नूं अपना के सिख बने। भाई लहणा वो भी तो पहला जांदे सी, पूजदे सी देवी देवतियां नूं। जदों गुरु नानक साहब दी सिक्ख्या नूं मन्निया ते फिर गुरु अंगद बना दिता ना गुरु नानक साहब ने। जे तुसीं गुरुओं दी बाणी नहीं सुणाओगे नॉन सिखा कितों अपना धर्म अपनाओगे। गोलका मैनू माफ करे, हुण मैं बहुत जिहड़ी गल करन लग्या, 80-90% गोलकां दे विच पैसा सहजधारियां दा आउंदा है, चाहे दरबार साहब तो लैके छोटे तो छोटे गुरु घर बंगला साहब जाके देखो, पग्गां घट होणगीਆਂ तो पटके ज्यादा होणगे। बंगला साहब शीशगंज साहब जाके देखो, पग्गां घट पटके ज्यादा होणगे। दरबार साहब जाके देखो, पग्गां घट पटके ज्यादा होणगे। उदों तुसीं कोई नहीं बोलदे, उन्होंने जथेबंदियों कोई नहीं बोलते। मैं सारियां नूं बेनती करा, कोई सिख मिशनरी है, कोई टकसाल वाले मेरे वीर ने, कोई नानक सर, मैं देखो कीर्तनी सब सर्व सांझे ने। जिवें ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी दसदे भी आपां सारे सांझे हाँ, असीं कोई किसी धड़े दे नहीं हाँ, पर असीं बाणी पढ़दे हाँ, सत्कार सब दा करदे। मेरे वीरों, कलगीधर महाराज जी दी बाणी मैनूं बहुत ही कंठ है, गुरु नानक देव पातशाह जी तो लैके गुरु तेग बहादुर साहब भगतां दी बाणी। असीं मैं तुहानूं इह नहीं कहंदा कि इक सुना रहे हाँ, सानूं प्राउड फील है। असीं कीर्तनियां दे बच्चे बहुत बाणी कंठ करके पढ़दे, भगतां दी बाणी मैनूं बहुत कंठ है, गुरुआं दी बाणी बहुत कंठ है, गुरसिखां दी बाणी बहुत कंठ है। अज तक दरबार साहिब दा 11-12 साल हो गए मैनूं हाजरीआं भरदे, 2 शब्द असीं रिपीट करदे हां, मंदा इस गल नूं 2 शब्द संगतां दे उही हुकम नाल रिपीट करदे हां। बाकी सारे शब्द नवें पढ़दे हां, जिन्ने अज तक चौंकीआं मेरे कोल पईआं दरबार साहिब दीआं रिकार्डेड ने। सो मेरी बेनती है, बाणी बहुत कंठ कीती, बाणी दा बहुत सत्कार करदे हां। जिन्हां दा फोन आया, मैं जिहड़ी संगत नूं ठेस पहुंची, मैं सिर्फ फोनां करके। बाकी फतेह सिंह भी अपना दिल दा गुबार कड्डेगा, क्योंकि सानूं फील होया, फील भी होया, असीं एक्सेप्ट करदे हां इस चीज़ नूं, असीं एक्सेप्ट करदे हां। असीं दोनों वीर भी असीं उस टाइम बोल नहीं सके, 15-20-25 मिनट कीर्तन सी, 25 मिनट दे विच संगत जी फैसला नहीं हुंदा। कई वार पंथ दी महान शख्सियत बैठी होवे, असीं चंगा ही नहीं समझिया, बस उस टाइम साडे तो फैसला नहीं हो सकिया। तो कोई गुरु ग्रंथ साहब की झूरी नहीं सी, तो गुरु ग्रंथ साहब की झूरी च यह चीज़ होती है तो तुसीं सानूं गोली मार सकते हो। असीं गुरु दा दित्ता खा रहे हां, गुरु पंथ दी सेवा सदा ही करदे रहां। घरां दे विच कीर्तन हुंदा, इन्नी कोई गल भी नहीं है, ठीक है। तुसीं गद्दी दी गल कीती है मेरे वीरो, आ तुसीं फेसबुक ते ला दो, मैनूं कोई उधर बाबा जी दी फोटो भेजी जांदी है, अपना की नाम है, उच्चो साहिब वालियां दी, नानक सर वाले महापुरशां दी गद्दियां ते बैठियां दी फोटो भेजी जांदे। यार तुसीं फिर उत्ते गल आ गई ना, ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ। ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਧਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨੀ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲਾਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਆਏ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਯਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਲਈਆਂ। ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਫੋਟੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪਾ ਲਈ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਪਾ ਲਈ, ਕੀ ਮਾੜਾ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਿਓ ਖੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਖੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪਾ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿਕਾਰ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ ਅਗਲੀ, ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਗ ਮਨੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮੰਨਿਆ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਬਟ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੋ ਖੀਮਾ ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੋਰਮਲ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਯਾਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਫਸ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੀ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।